बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं आउट ऑफ स्टेशन, तो हम जल्दबाजी में या फिर किसी कारण से टिकट वगैरह नहीं ले पाते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारा भीड़ है वहाँ पे, विदाउट टिकट खड़े खड़े या फिर कहीं भी इधर उधर बैठ के सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में हमारे दिमाग में एक आता है, कह सकते हैं मैसेज, हल्का सा अलर्ट आता है और हमें लगता है कि काश टीटी कुछ पैसे ले लेता और कहीं से मुझे किसी बोगी में एक सीट दे देता, ताकि हम लोग उस सीट पे अच्छे से बैठ के सो करके जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाते, तो वहाँ पर ज़्यादा हमें पैसे की चिंता नहीं होती है, लेकिन ये लगता है कि हाँ एक सीट मिल जाए। बात तो सही है। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि कौन से बोगी में कौन सा सीट नंबर खाली है। तो मान लीजिए आपको पता हो कि नहीं इस बोगी में ये सीट नंबर खाली है, तो आप टीटी से बात करके काफ़ी आसान तरीके से उसको कुछ पैसे रुपये दे करके आप अपना उस सीट ले सकते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कौन सा सीट खाली है, तो उसको हम कैसे सीट को ले सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊँगा एकदम आसान भाषा में कि कैसे आप ऑनलाइन चार्ट प्रिपेयर्ड होने के बाद भी ये चेक कर पाएंगे कि कौन से बोगी में कौन सा सीट नंबर खाली है करंट टाइम में। तो अगर आप वो चेक कर लेते हैं तो आप टीटी से बात करके, या फिर बात नहीं भी करते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि इस जगह से इस जगह तक वो जो सीट रहेगी वो खाली रहेगी, तो वहाँ पे आप बैठ करके अपनी जर्नी को काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को जरूर से आप पूरा देखें, किसी पार्ट को मिस ना करें। तो चलिए मैं अंदर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग चार्ट प्रिपेयर्ड होने के बाद भी ट्रेन की सीट को देख पाएंगे कि कौन सा खाली है कौन सा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, या फिर आपके फ़ोन में जो भी ब्राउजर हो आप उसको ओपन कर लेना है। फिर आपको जाना है सर्च बार में और टाइप कर देना है IRCTC, मतलब जो रेलवे का ऑफिशियल साइट है आपको उसको यहाँ से ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है दिखाई देने लगेगा। फिर इसको क्या है ना कि अगर आपके टैब में जो ब्राउज़र है नॉर्मल मोड में खुलता है, इसको आप यहां से थ्री डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट मोड में कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि सारा जो ऑप्शन है आपको प्रॉपर दिखाई देने लगेगा, है ना। जैसे जैसे आप ये कर लेंगे आपके सामने यहां पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आप देखेंगे यहां पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई देगा चार्ट एंड वैकेंसी, है ना। तो आपको चार्ट एंड वैकेंसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बॉक्स खुल गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेन नेम या फिर नंबर, मतलब आप जिस भी ट्रेन का जो डिटेल है वो जानना चाहते हैं उसका नंबर या फिर नाम आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो मैंने एक ट्रेन कॉपी किया है, मैं इसको यहाँ से पेस्ट कर दूँगा, है ना। या फिर आप इसमें कोई नाम वगैरह भी डाल सकते हैं। तो ये शक्तिपुंज ट्रेन है जो कि अभी 10:20 पर जबलपुर से बर्गमा के लिए निकली है। तो यहाँ पर मैं इसको डाल दूँगा और यहाँ पर डेट जो है चूज कर लेना है। और यहाँ पर बोर्डिंग पूछ रहा है कि आपको कहाँ से देखना है कि कहाँ से सीट खाली है या नहीं है। तो मैं जबलपुर ही बोर्डिंग करता हूँ, है ना, लेकिन जबलपुर नहीं, अगर मैं जबलपुर करूँगा तो जबलपुर से तभी निकल गई होगी क्योंकि ट्रेन जो है 10:20 पे है। मैं इसको देखता हूँ कटनी साउथ से, है ना। तो मैं यहाँ पे इतना सब कुछ सेलेक्ट कर लिया, पहले में जो हमारा ट्रेन नंबर है मैंने इसको चूज कर लिया, फिर जो डेट है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर जो ये बोर्डिंग है मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको गेट ट्रेन चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे सारा जो वैकेंसी है जो सीट का वो हमारा है रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ आप देखेंगे ऊपर में जितने में लिखा है ना SL, सब ये स्लीपर है और किसी भी स्लीपर में कोई भी सीट खाली नहीं है, सब में जीरो लिखा है, आप देख सकते हैं ऊपर में, है ना, सब में जो है जीरो लिखा है। अब आते हैं नीचे जो कि हमारा थर्ड AC है, B1, B2, B3, थर्ड AC में भी कोई सीट खाली नहीं है, सब में जीरो लिखा है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे सेकेंड AC में चार सीट खाली है और यहाँ पे फर्स्ट AC में जो है दो सीट खाली है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन कौन सा सीट खाली है। जैसे यहाँ पे अगर सेकेंड AC में चार सीट खाली है तो कौन सा सीट खाली है, साइड लोवर कौन सा नंबर है, हमें ये देखना है। तो हमें जो यहाँ पे देखेंगे ना जो ब्लू कलर का A1 लिखा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, हाँ जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो सारा सीट का डिटेल है आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जहाँ जिस जिस नंबर पे आपको ग्रीन दिखाई देगा मतलब वो सीट पूरा खाली है, आप वहाँ पे जा करके बैठ सकते हैं या फिर टीटी से बात करके कुछ पेमेंट दे करके अपना व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जो सीट है वो 29 साइड लोअर है और एक जो सीट है 26 अपर है और एक जो सीट है 35 साइड लोअर और यहाँ पे एक और जो सीट है वो है 41 साइड लोवर, है ना। यहाँ पे इस प्रकार से चार सीट खाली है
और जो जो ग्रीन है वो एकदम फुल्ली खाली है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एसी में भी खाली है और ये जो हमारा सेकंड एसी है उसमें भी खाली है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से आप क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं कि कौन से बोगी में कौन सा नंबर जो सीट है वो खाली है, उसका आप फुल्ली इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इसमें तो मान लीजिए कि कम सीट खाली है, किसी किसी में होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्लीपर खाली होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चार प्रीपेड होने के बाद टिकट वगैरह नहीं बनता है और यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट होता है वो भी कैंसिल हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करके जो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है, कुछ जानकारी बताई है, इसका इस्तेमाल करके ये चेक कर पाएंगे कि कौन से बोगी में कौन सा सीट नंबर खाली है ट्रेन चलने के बाद भी, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया ना ये ट्रेन अभी चल रही है, ये 10:20 पे ट्रेन वहाँ से जबलपुर से निकल चुकी है। अभी यहाँ पे टाइम देख लो 10:30 हो गया है, है ना। होप करता हूँ गाइज आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती हो तो अपनी ओर से एक लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक देखना अच्छा लगता है, आपको इंटरेस्ट है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आगे भी इसी तरह का जो न्यू वीडियो है देखने के लिए आसान तरीके से मिलते रहेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए।